माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, तो एक बार बहुत बहुत स्वागत और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है काउंसलिंग में। अब एक सुपर स्ट्रे वैकेंसी राउंड लाया गया है। जी हाँ, स्पेशल वैकेंसी स्ट्रे वैकेंसी राउंड लाया गया। और इसके पीछे वजह है कि लार्ज नंबर ऑफ MBBS सीट अभी भी खाली रह गए हैं आफ्टर फोर्थ राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग। तो ऐसे कंडीशन में आपको बता दूं कि लास्ट ईयर भी अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जो है वो एक स्पेशल राउंड स्ट्रे वैकेंसी का कराया गया था। अभी भी 300 से ज्यादा सीटें खाली रहने का अभी तक अनुमान जो दिया गया है, 300 से ज्यादा MBBS की सीट खाली। अब ऐसे स्थिति में एक्चुअली खाली क्यों है ये भी आपको बता दूं। खाली होने के पीछे वजह है कि बहुत बच्चों का स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कुछ ऐसे कॉलेजेस मिले हैं या कुछ ऐसे स्टेट में अलॉटमेंट हुआ है जहां वो नहीं जाना चाहते हैं और उनको लगता है कि अब 3 मंथ के बाद नीट का एग्जामिनेशन भी आ गया है। तो ऐसे कंडीशन में उनको लग रहा है कि भैया मैं क्यों ना एक अटेम्प्ट और लूं और मुझे बेहतर कॉलेज में मैं एडमिशन लूं। आपको बता दूं एम्स जैसे संस्थान में भी सीट जो है वो खाली है, मतलब एम्स का भी पूरा सीट भरा नहीं है। एम्स में भी 3 या 4 सीट कुछ खाली रह गए अभी भी। इसका मतलब साफ साफ ये बात का संकेत मिल रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो नए कॉलेजेस को नहीं प्रीफर कर रहे हैं या वो बच्चे जिनको अपने आप पे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूँ नेक्स्ट ईयर, वो बच्चे अगले साल की तैयारी में अभी से जी जान से जुड़ गए हैं और ऐसे बच्चे निश्चित तौर पर थोड़ा कॉम्पिटिशन भी बढ़ाएंगे अगले साल। तो इसलिए आपको बोलूंगा कि आपके पास जो बच्चों को लगता है कि मुझे इसी साल एडमिशन ले ही लेना है, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास आया है। यहाँ पे स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होने वाला है, इसमें हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो नहीं चाह रहे हैं कि साल अब जाएं, तो वैसे कंडीशन में आपको लो मार्क्स पे भी जो है वो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर आप कैटेगरी में 300 मार्क्स भी हैं SC/ST कैटेगरी वगैरह में, तो भी आपको कॉलेज मिलने के चांस होगा। इसलिए आप कम से कम स्ट्रे वैकेंसी राउंड जाइए जरूर, ठीक है ना। हाँ, लो मार्क्स वालों को भी यहाँ पे कॉलेज मिलने के अच्छे खासे चांस होंगे। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि SC/ST कैटेगरी का जो है वो बहुत मिनिमम मार्क्स पे 1-2 सीट जो है वो फिल किया गया था। तो ऐसा सिचुएशन इस साल भी बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए आप लोग जरूर काउंसलिंग अटेंड कीजिए। और जनरल कैटेगरी का भी कटअप जो है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो हुआ फर्स्ट राउंड जो स्ट्रे का, उससे निश्चित तौर पर नीचे आएगा और बहुत सारे बच्चे जो नहीं फॉर्म फिलअप करेंगे जिसके वजह से कम मार्क्स भी MBBS मिलने का चांस रहेगा। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यार, मिस मत करना। सभी बच्चों को बोलूंगा कि जरूर जाओ और इसको फटाफट करो। बाकी जो बच्चे 2022 नीट की तैयारी कर रहे हो, आपको भी पता है कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है। सबसे पहला काम आपको NCERT पकड़ना है। अगर आपने NCERT अपने गीता को, अपने ग्रंथ को, अपने बाइबल को आपने छोड़ दिया, अपने कुरान को छोड़ दिया, तो समझो आप सिलेक्शन से बाहर होगे। इसलिए NCERT को पकड़ो बेटा। NCERT बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कंप्लीटली बेस्ड होगा NCERT पे। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट मैंने चंद्रहास सर ऐप पे दे दिया है। आप वहां जाइए, केमिस्ट्री के एक एक लाइन का क्वेश्चन बनाया गया है NCERT का। आप उसको पिक कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और इस साल अच्छा स्कोर करके आइए।